नाउ कमिंग अपॉन क्वेश्चन टू, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्टेंट ओ. देखिए एक्स वाई और एम एन दोनों ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट मतलब कट कर रही हैं. और पी ओ वाई जो आपका गिवन है 90 डिग्री है, और ए रेशो बी जो है 2:3 है. अब जब भी आपको रेशो दी हो, मैंने पहले भी आपको बताया था ऐसे 2:3 है, तो आपने लेट कर लेना है ए को 2x एंड बी को 3x. ए विल बी एज 2x एंड वी विल बी एज 3x. फाइंड क्या करना है आपको, ये सी एंगल निकालना है. ये देखिए ऊपर ऊपर क्या बन रहा है आपका, लीनियर पेयर बन रहा है ना, जिसमें आपके एंगल आ रहे हैं ए आ रहा है, बी आ रहा है और 90 डिग्री आ रहा है. दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री एज लीनियर पेयर. अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x और बी की क्या है 3x प्लस 90 इक्वल्स 180. 3 प्लस 2 दिस इज 5x, 180 माइनस 90 दिस इज 90. तो फ्रॉम हियर यू विल बी गेटिंग वैल्यू ऑफ एक्स एज 90.5 18. आपके पास x की वैल्यू 18 आ गई, तो a की वैल्यू क्या थी 2x, मीन्स 2 इंटू 18 दिस इज 36 डिग्री. b वॉज 3x, 3 इंटू 18 54 डिग्री. अब देखिए आपको वैल्यू निकालनी है c की. अब हम जब ध्यान से देखेंगे, ये देखिए c और ये वाला एंगल जो है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, मतलब C इज इक्वल टू A प्लस 90. ये किस तरह के एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्रॉस शेप में बनते हैं ना. ये वाले भी दो वर्टिकल हैं और ये वाला एंगल वर्टिकल है, और वर्टिकल एंगल दोनों क्या होते हैं इक्वल. ठीक है जी. अब A की वैल्यू आपके पास 36 डिग्री आ चुकी है, 36 डिग्री प्लस 90 इक्वल्स टू, ये देखिए C की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 6 126 डिग्री. I hope this question is clear to you. Thank you.